हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में इस प्रकार से कोई लंबा गुरु आ जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से लंबा जो गुरु है उसको हम लोग कैसे काटेंगे। 30 mm लंबा जो है वो गुरु है यहाँ पे। तो ये ग्रूव जो है आज हम लोग काटने वाले हैं G01 कोड के अंदर, ठीक है। ग्रूविंग टूल हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, लॉन्ग ग्रूव प्रोग्रामिंग विद G01 कोड। तो यहाँ पे जो है वो हमारा लंबा ग्रूव है, लॉन्ग ग्रूव प्रोग्रामिंग विद G01 कोड। तो G01 कोड के अंदर इसको हम लोग बड़े आसान तरीके से जो है वो हम लोग काट सकते हैं। किस प्रकार से कटेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले ड्राइंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ का डायमीटर जो है वो हमारे पास में 70 mm का है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में एक 70 mm का एक जो है वो सिलेंड्रिकल जॉब है डायमीटर जिसका। तो यहाँ पर 30 mm छोड़ करके 30 mm का ही ग्रुप लग रहा है और ये जो लेंथ है ये 45 mm है। इतना हिस्सा जो है हमारा जो है ये चक में रहता है, ठीक है। तो और अंदर का जो डायमीटर हमें जो बनाना है, ठीक है, वो 65 mm, मतलब 65 mm का जो डाया है वो हमें तैयार करना है। तो इस प्रकार का अगर कोई ग्रूव काटना हो तो अगर हम लोग इसको वर्टिकल कट लेते हैं इसके, तो हमारा जो टाइम है वो काफ़ी लग जाएगा। तो इसको हम लोग टर्निंग की तरह काटेंगे कि टर्निंग की तरह किस प्रकार से जो है वो ग्रूव काटते हैं। तो यहाँ पर जो टूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो टूल जो है वो उसका इस प्रकार से हमारा जो ग्रूविंग का टूल है, ठीक है, ग्रूविंग का टूल है हमारा इस प्रकार से। तो इसकी जो मोटाई है वो है 4 mm की। तो 4 mm का टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ए पॉइंट है इसका, ये वाला बी पॉइंट है। तो 4 mm का टूल है। तो 4 mm के टूल के द्वारा जो है वो, क्योंकि ये जो इसके दो पॉइंट होते हैं, दोनों साइड से कटिंग कर सकता है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये भी सीखेंगे कि दोनों साइड से कैसे कटिंग करवाते हैं। तो ये जैसे एक बार आगे आएगा टूल, डेप्थ ऑफ कट लेगा, टूल आगे की ओर आएगा काटता हुआ मटेरियल को, फिर ये इस वाले पॉइंट पे आने के बाद में यहाँ से भी डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर इधर की ओर काटता जाएगा, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों की ओर जो है वो ये टर्निंग की तरह ग्रूव को काटेगा। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोग्राम बनाते हैं। O1 2 3 4 एंड ऑफ ब्लॉक N1, और उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे G28, U0.0, W0.0, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे टूल नंबर 1, ऑफसेट नंबर 1, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे G50, स्पिंडल स्पीड यहाँ पे लगाया मैंने 1200, और यहाँ पे ले लिया हमने एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में लगाएंगे यहाँ पे G96, यहाँ पे कटिंग स्पीड 200 डाला, S200, और M03 के अंदर स्पिंडल को रोटेट किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे G21, G99 और G90 का कोड लगाया हमने, ठीक है। तो ये कोड आपको मालूम है, G21 mm डाटा इनपुट, G99 फीड mm पर रेवोल्यूशन, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं G0X की वैल्यू। तो डायमीटर देखिए हमारा कितने का है, 70 का डायमीटर है। तो हम थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ले लिया 72.0 लिया, और जेड टूल को शुरुआत में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 5 mm जॉब से प्लस में रखेंगे उधर की ओर। तो जेड 5.0 लिया यहाँ पे, M08 के अंदर कूलेंट को ऑन कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, टूल को क्या करना है, आगे की ओर लेके आना है। भी हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ से हमें डेप्थ ऑफ कट लेना है, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट लेना है इस वाले पॉइंट से। तो टूल आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो ये कितने कट में काटेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 mm, 1-1 mm का कट लेंगे, 2-2 mm का कट लेंगे, ठीक है। तो ये आप उसी प्रकार से जो है वो काट सकते हो। तो ग्रूविंग टूल है, अच्छे खासा मटेरियल जो है वो काट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए आपका, ये वाला बी पॉइंट है। तो यहाँ पे 30 तो ये है, 30 छोड़ के 4 mm
आप इधर की ओर आ रहे हो तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आपका सॉरी z की वैल्यू यहाँ पे जो है वो आपका कितना हो जाएगा, z माइनस 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कोड G0 Z माइनस यहाँ पे हो जाएगा 34.0। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे एंड ऑफ ब्लॉक। इतना लगाने के बाद में अब आपको क्या लेना है, डेप्थ ऑफ कट लेना है। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट लेंगे तो मान लीजिए हम लोग 1-1 mm का मटेरियल काट रहे हैं, ठीक है, तो 70 mm है। तो जब 1 mm का मटेरियल काटेंगे तो x की वैल्यू हम लोग जो है वो 1-1 mm में तो करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका हो जाएगा 69 mm पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कोड लगाऊंगा मैं यहाँ पे G01 x की वैल्यू यहाँ पे मैंने लगा दी, यहाँ पे जो है वो ये हो गया हमारा 69.0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं फीड डालूंगा यहाँ पे 0.1 का फीड डालूंगा यहाँ पे, एंड ऑफ ब्लॉक लगा दूंगा। और अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टूल ने 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लिया है, टोटल डेप्थ ऑफ कट 1 mm का मटेरियल हमारा कट रहा है, और टूल अब यहाँ से ऐसे आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो G01 में आगे की ओर जाएगा और इस वाले पॉइंट तक आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी बन रही है, 30 + 30 = 60, तो ए पॉइंट हमारा आएगा 60 पर। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग G01 Z माइनस कितना हो जाएगा हमारा 60.0 हो जाएगा। अब ये मटेरियल को काटेगा टर्निंग की तरह काटते हुए आगे की ओर आएगा, तो Z माइनस 60 तक आ जाएगा टूल। उसके बाद में यहाँ पर फीड हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 0.15 का मैंने यहाँ पे फीड बढ़ा दिया, 0.15 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, टूल हल्का सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग टूल को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएंगे। तो यहाँ पे G0 में लगा करके टूल को हमने क्या करना है, U 0.5 यहाँ पर टूल को थोड़ा सा ऊपर उठाया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी एक डेप्थ ऑफ कट लेंगे, इस वाले पॉइंट से भी हम लोग क्या करेंगे, एक डेप्थ ऑफ कट लेंगे नीचे की ओर। तो x की वैल्यू पहले हमने 69 लिया था, तो ये क्या करेगा, इधर से भी डेप्थ ऑफ कट लेंगे, इधर को मटेरियल काटेगा, यहाँ से डेप्थ ऑफ कट कर लेंगे, इधर को मटेरियल काटेगा, दोनों साइड से कटिंग होगी इसकी। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे यहाँ पे G01 एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 68, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 68.0 हो गया, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। अब हमारा जो टूल है G01 Z, तो अब हम टूल को कहाँ तक लेके आएंगे, अब देखिए ए पॉइंट आपका यहाँ तक आना चाहिए, अब बी पॉइंट इसके साथ में टकराना चाहिए यहाँ पे, यहाँ तक, तो जेड माइनस 34 होगा यहाँ पे, जेड माइनस ये वाली वैल्यू आएगी, तब टूल आपका जो है वो बेक उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो जेड माइनस कितना हो जाएगा, 34.0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इस वाले पॉइंट पे हम लोग जो है वो फीड 0.15 कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे फीड। ठीक है, तो फीड हमने ले लिया 0.15, एंड ऑफ ब्लॉक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिर आपको हल्का सा टूल को ऊपर की उठाओ, 0 x की वैल्यू डाल दीजिए, U 0.5 डाला हमने, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे, फिर G01 x की वैल्यू फिर नीचे की ओर कर लो। ठीक है, तो 67 हो गया यहाँ पे, 67.0 हो गया। ठीक है, फीड हो गया आपका 0.15। ठीक है, बाकी का प्रोग्राम यहाँ बनाता हूँ, 67 पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे G01 Z माइनस वापस फिर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, Z माइनस 60.0, और फीड लगेगा यहाँ पे 0.15, एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, इतना होने के बाद में यहाँ पर टूल को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, G0 U 0.5, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग G01 Z माइनस x का वो हम लोग कट लेंगे यहाँ पे, x, तो x हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, 67 पे था हमारा, तो 66 पे हो जाएगा, तो 66.0 हो जाएगा। फीड लगाएंगे 0.15, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे G01 Z माइनस वही आएगा 34, तो जेड माइनस आएगा 34.0 आएगा यहाँ पे, फीड 0.15, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे G0 U 0.5, ऊपर की ओर थोड़ा सा टूल उठाया, फिर वापस डेप्थ ऑफ कट लेंगे, G01
एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारा अभी लास्ट कट है यहाँ पे 65, एक्स की वैल्यू 65.0, ठीक है। तो ये 65.0 हो गया एंड ऑफ ब्लॉक, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे G01 जेड माइनस 60.0, फीड हो गया आपका 0.15 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में टूल हमारा यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे है, टूल को बाहर निकालेंगे तो G0 एक्स की वैल्यू हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, एक्स कितना लगाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा टूल को ना प्लस में कर लेंगे इधर की ओर, है ना, जब हम बाहर निकालेंगे ताकि रगड़ता हुआ टूल यहाँ पे जो है वो ना आए। तो G0 लगा करके जेड को कर लेंगे जेड माइनस 59.0, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 59 पे थोड़ा सा टूल काट, ये तो कट हो गया आपका, पीछे हो गया अब, तो यहाँ पर लगाएंगे G0 एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 75.0, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक लगा दीजिए यहाँ पे, और G0 और यहाँ पे जेड को कर दीजिए 10.0, M09 लगा करके कूलेंट को कर दो ऑफ, ठीक है, कूलेंट ऑफ हो गया। और यहाँ पे लगा दीजिए कोड G28U0.0W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक लगाइए, और यहाँ पे लगाना है आपको M05 और M30 का कोड लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है वो इस प्रकार का लंबा जो ग्रूव है वो भी हम लोग आसानी के साथ में काट सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों अब आने वाला जो वीडियो है, आने वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रूविंग के अंदर अगर हम लोगों को चैम्फर काटना हो, यहाँ पे ग्रूव के अंदर अगर इस प्रकार से कोई चैम्फर लग रहा हो यहाँ पे, ठीक है, चैम्फर, और फिर चैम्फर के बाद में रेडियस बनाना मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस प्रकार से अगर ग्रूव के अंदर कोई आपका चैम्फर लग रहा हो तो वो चैम्फर जो है हम लोग किस प्रकार से काटेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का वीडियो आने वाली वीडियो में आएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।